सो गाइज अभी वाराणसी से निकलने का वक्त हो चुका है एंड अभी बज रहे सुबह के 6:10 या फिर 6:15 होगा और निकलते निकलते 6:30 या फिर 6:45 बज सकता है। आधा सामान मैंने ऑलरेडी अपने स्कूटी पे लगा दिया है। ये रहा रूम, रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। और ये रहा रूम, सिंगल बेड के लिए बोला था लेकिन सिंगल बेड था नहीं तो डबल बेड मिल गया, तो ठीक है, स्पेस भी ज़्यादा मिल गया, सामान वगैरह रखने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। अभी सिर्फ ये सब ऊपर ऊपर पहनना है और निकल जाना है, और ये जो जरिकन है इस जरिकन को लगाना है, उसके बाद हम लोग निकलने के लिए रेडी है। और मेरा रूम नंबर था 108। मैं जहाँ पर था ये है होटल राज शांति, तो आप लोग होटल राज शांति पे आके रह सकते हो। एंड क्योंकि अभी भी गीजर का सीजन चालू नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया 1200। तो मैं यहाँ पर 2 नाइट्स रहा, तो 2 नाइट्स का यहाँ पर कॉस्ट आया 2400। आई नो इट्स अ बिट कॉस्टली, बट अभी 1000 के नीचे रूम कहाँ ही मिलता है, और ऊपर से गीजर फैसिलिटी लिया है मेरे सर्दी जुकाम के लिए। आज निकल रहा हूँ फॉर जबलपुर, डिस्टेंस इज 474 किलोमीटर्स। जबलपुर में होटल बुक किया हुआ है तो टोटल अपने होटल तक है 474 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। तो गाइज अभी हम लोग वाराणसी से निकल रहे हैं। अगेन वेलकम यू ऑल टू माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पर चाय पीने का जगह है लेकिन चाय पियेंगे नहीं, अभी हम सरनाथ वाले गली से निकल रहे हैं। अगर आपको सरनाथ जाना है वाराणसी मेन टाउन से, देन आपको ऑटो वाले या फिर रिक्शा वाले को बोलना पड़ेगा। हसीपुर से सरनाथ के लिए जो गली निकलता है या फिर जो चौक है वहाँ पर उतार देने के लिए, देन आप लोग इस वाले गली से जा सकते हो। 2 रात रह के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिन एक ही पूरा मिला लेकिन रात 2 रहा। मैं कल सुबह को गया था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, और शाम को गया था दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर गंगा आरती देख के। अभी NH 31 होके हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो आप लोग लाल गेट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक सब्जी मंडी है जो कि मुझे कल जाके पता चला। सरनाथ जो है, मतलब मैं जहाँ पर रह रहा था वो वाला पार्ट मेन वाराणसी सिटी से थोड़ा बहुत दूर गिरता है। आप लोगों को अगर रहना है तो फिर मैं बोलूँगा ऐसे होटल वगैरह में ना रहा कीजिए सरनाथ एरिया में, क्योंकि आप लोगों को दर्शन करना है वाराणसी के मेन मेन घाट मंदिर, ये सब आप लोगों को दर्शन करना है, तो मैं बोलूँगा घाट के सामने किसी होटल पे रुक जाइए या फिर किसी धर्मशाला पे रुक जाइए। यहाँ पर होटल का चार्जेस मुझे 1000 कुछ ज़्यादा ही लगा। अभी मेरे से एक गलती हो गया था, बिना फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े मुझको लेफ्ट लेना था, लेफ्ट लेके उसके बाद जबलपुर के हाईवे पे पहुँचना था, कुछ ज़्यादा ही समझ बैठा और मैं यहाँ पर इस फ्लाईओवर पे चढ़ गया था। और फिर उसके बाद जब पूरा फ्लाईओवर ख़त्म हुआ उससे भी थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यू टर्न लेके फिर से अभी आना पड़ रहा है, नहीं तो कब का हाईवे ज्वाइन कर लेता मैं। अभी यहाँ से हमको लेना पड़ेगा राइट, लेते हैं राइट। क्या रास्ते हैं यहाँ के, दिल्ली यहाँ से है 802, प्रयागराज 121, विंध्याचल समथिंग कितना किलोमीटर, 63 या फिर इतना किलोमीटर होगा। क्या रास्ते है भाई, वो और क्या चाहिए अगर ऐसे रास्ते मिले तो। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी है, लोगों ने अब जाके थोड़ा जैकेट वगैरह भी पहनना शुरू कर दिया है। तो भाई ऐसे हाईवेज पे जाके यूज होता है ये वाला क्रूज कंट्रोल, ना यहाँ पर आपको लोग डिस्टर्ब करने आएंगे ना ही कुछ, क्रूज कंट्रोल देके बैठा हुआ हूँ, अपना हाथ भी रेस्ट और सब बढ़िया। अभी यहाँ पर 80+ इसलिए क्योंकि ये वाला रास्ता थोड़ा डाउन है, थोड़ा अप होगा तो ये फिर से 75 हो जाएगा।
तो भाई यहाँ पर थोड़ा चाय वगैरह पी लेते, नहीं तो नींद के मारे आँख बार बार बंद हो रहा है और इससे क्या है मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब ये हाईवेज ऐसे होते हैं, आप पूरा सो के आओगे ना तब भी आप लोगों को नींद लग जाएगा, क्योंकि एक ही स्पीड कंटिन्यू होता है भाई, कुछ करने को है नहीं। चलो फिर फटाफट से एक टपरी मिला है वहाँ पर चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। गलती के बाद गलती किए जा रहा हूँ पता नहीं इतना गलती मैं क्यों कर रहा हूँ आज, पता नहीं गाइस, कुछ भी पता नहीं। लेना था सामने जाके उसके बाद राइट, तो मैं सोच रहा था कि यही वाला हाईवे कंटिन्यू होने वाला है तो इसलिए मैं सीधा आ गया था। बाद में गूगल मैप फिर से घुमा घुमा के मुझे वही पर ही लेके जा रहा है जहाँ पर मुड़ने के लिए पहले बोला था, पहले ही मुड़ जाता तो फिर किसी किसी जगह पर कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं सोचने लग जाता हूँ। अभी सामने जाने के बाद 850 मीटर के बाद मुझे राइट लेने के लिए बोल रहा है गूगल माता, नेशनल हाईवे 135A बोल रहा है। एक्चुअली ऊपर जो आप हाईवे देख रहे हो ना ये नॉर्दर्न साइड पर जाके कनेक्ट करता है, जिस वजह से मुझे अभी अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से राइट ले लिया, अभी जाना है यहाँ से सीधा, तो ये है नेशनल हाईवे 135A, पहले ही ले लेता राइट, क्यों ज़्यादा मतलब सोचने लग गया था पता नहीं। ये हाईवे थोड़ा बिजी हाईवे लग रहा है। आज के दिन का पहला रेलवे क्रॉसिंग आ चुका है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यहाँ पर खुद को तो एलियन जैसा फील हो रहा है। इस जगह का नाम क्या है? मिर्जापुर। और हम मिर्जापुर ऑलरेडी आ चुके हैं? हाँ, और मिर्जापुर हम घुस चुके हैं ऑलरेडी? नहीं नहीं मतलब अभी घुस चुके हैं मिर्जापुर। अच्छा 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 हम बाईपास कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई हम लोग अभी मिर्जापुर से, अच्छा अच्छा सिटी के अंदर जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये 40 दे देते हैं। हाँ पेट्रोल भी साथ में। अभी एट प्रेजेंट हम लोग मिर्ज़ापुर बाईपास पे है, तो मिर्ज़ापुर क्रॉस कर रहे हैं एंड एक भैया भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सो भैया ने मिर्ज़ापुर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया एंड मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा अपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को। अभी यहाँ से अगर हम लेफ्ट की ओर चले जाएंगे तो हम लोग मिर्ज़ापुर शहर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन शहर तो जाना नहीं है हम लोगों को, नेशनल हाईवे पकड़ के मिर्ज़ापुर बाईपास मतलब करना है। उसके बाद ज़्यादा नहीं है, अभी 400 से नीचे किलोमीटर आ चुका है, 399 किलोमीटर बाकी है। थैंक यू। तो ये है यहाँ का सब्ज़ी मंडी। सो मैंने यहाँ पर एक चीज़ फॉलो किया है, यूपी साइड में सब्जी मंडी के लिए अलग से ही एक एरिया रखा जाता है, काफ़ी सही है ये, काफ़ी सही है। यहाँ से रेवा सिर्फ 149 किलोमीटर बाकी है, कन्याकुमारी 2296 किलोमीटर, नागपुर 671 किलोमीटर। और यहाँ पर रोड देख सकते हो, अभी बहुत दिनों के बाद जाके थोड़ा हिली सॉर्ट ऑफ रोड्स मिला है, अपने अपने घर के एरिया के जैसे रोड्स मिला है भाई। थोड़ा घाट सेक्शन सॉर्ट ऑफ है यहाँ पर। और इस वाले रोड पे सबसे खुशी की बात यह है कि हमें 157 किलोमीटर इस NH30 पे हम लोगों को कंटिन्यू करना है, पूरा 130 किलोमीटर चलाना है इस वाले रोड पे। तो यहाँ पर फिल अप हो चुका है, 310 रुपये का पेट्रोल आया है और GoPro पे 1% चार्ज है चलो अभी थोड़ा बहुत इसको चार्ज करते हैं। तो अभी यहाँ से हनुमाना है 42, रेवा 134, जबलपुर 372, नागपुर 641। तो हनुमाना पहुँचते आई थिंक सो हम लोग MP घुस पड़ेंगे, क्योंकि हनुमाना से मैंने मुझे जितना तक पता है हनुमाना से MP शुरू हो जाता है। कौन सा स्टेट अभी तक हुआ है एक बार
हम लोग रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट असम पे थे, उसके बाद मेघालय, उसके बाद फिर से असम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश घुसेंगे, और उसके बाद हम लोगों का डेस्टिनेशन स्टेट जो कि है महाराष्ट्र, वो हम घुस पड़ेंगे परसों। 5:02 अराइवल, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम दिखा रहा है जबलपुर तक, मतलब मेरे होटल तक। सो बाईपास जो है, बाईपास से 3 किलोमीटर अंदर है मेरा होटल, जो भैया लोगों ने बोला मुझको कल। आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज हम लोग पहाड़ों पे स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पे ऐसे रोड, मतलब पूरे शिलोंग बाईपास का मुझे फील दे रहा है ये। यहाँ पर थोड़ा साइड पे रुकते हैं और आपको नज़ारा चेकआउट करवाते हैं। भाई कितने प्यारे नज़ारे हैं, रुकिए मैं आपको मोबाइल से ये नज़ारा दिखाता हूँ, लेट्स गो। कितने प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के भाई साहब, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, पूरा हरियाली ही हरियाली है और इसी तरीके का रोड्स कंटिन्यू हो रहा है। ये है कुछ मेरा हाल, मतलब नींद के मारे आँख वगैरह जैसे बंद ही हो जा रहा है, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। कल रात को एक्चुअली अच्छी तरीके से तो नींद हुआ नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को मोटो ब्लॉग में बोल ही रहा हूँ, अच्छी तरीके से नींद हुआ नहीं कल। और कल मैंने जो मर्डर्स किए थे, आई थिंक उनका ही फल भुगतना पड़ रहा है अभी। चलो कोई नहीं, के सीन्स एंजॉय करते हुए जाते हैं। काफ़ी प्यारे रोड्स हैं एंड उस तरफ सीन्स और भी ज़्यादा सुंदर है। एंड ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, तो ये कुछ लाइटलूम जैसा मुझे फील हो रहा है, मतलब ऐसा पैटर्न का लग रहा है, लेकिन है तो नहीं ना, लाइटलूम तो लाइटलूम ही है हम लोग के मेघालय का। यहाँ से रफू चक्कर होते फटाफट से, चलो। वी आर नाउ इन मध्य प्रदेश, हनुमाना पहुंच चुके हैं हम लोग। लाइफ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम आए हैं मध्य प्रदेश, और वो भी मेरे इस बीस्ट के साथ। मध्य प्रदेश घुसते ही यहाँ के सीन्स ही पूरा अलग हो गए। बिहार का एक लैंडस्केप था, उत्तर प्रदेश का एक लैंडस्केप था, अभी मध्य प्रदेश का एक लैंडस्केप है। तो गाइस रेवा यहाँ से लगभग और 30 से 40 किलोमीटर का बाकी रह गया है। एक भैया से अभी मिले थे, भैया का नाम था शिव मोहन मिश्रा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होता है भैया जी, तो माफ़ कर देना, हवा के वजह से प्रॉपरली सुनाई नहीं दिया, मोहन मिश्रा नाम से सुनाई दिया। साइड में आ जाइए। कहाँ से चल रहे हो? हम असम से चल रहे हैं। नंबर तो मैंने देखा। हाँ मुंबई जा रहे हैं। अकेले हैं कि और भी? नहीं अकेले, सोलो ट्रेवल कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? लोकल है, यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, हम जबलपुर जा रहे हैं अभी। हाँ, अब यही से 4 लेन का ही हाईवे मिलेगा ना। ठीक है ठीक है, चलिए एक सेल्फी ले लेते हैं। YouTube चैनल भी है? हाँ 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 हाँ। इस नाम पे चैनल है। ठीक है भैया, आपका नाम? प्रशांत गुप्ता। आपका इंस्टाग्राम है? ठीक है मैं फॉलो भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने का शौक हम भी रखते हैं। थोड़ा सा मन किया कि बात करें आपसे। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है तो चलिए। तो यहाँ पर नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातें करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम लोगों को ये भैया भी मिले थे जो अभी बुलेट लेके जा रहे हैं। 4:44 दिखा रहा है यहाँ से जबलपुर, 262 किलोमीटर, और 5:36 को हम जाके पहुँचने वाले हैं। लगभग 5 बजने को है और सनसेट अभी भी नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा, 1 घंटे में हो जाएगा आई थिंक सो। और यहाँ पर रोड्स 4 लेन से, मतलब ये अभी कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन में रोड है, और इसी रोड पे मुझे अभी नेक्स्ट 25 किलोमीटर तक चलाना है, और अभी 100 किलोमीटर के नीचे आ चुका है मेरा डेस्टिनेशन। तो 1 घंटा 1:56 दिखा रहा है। तो अभी फिर से यहाँ पर 4 लेन शुरू हो चुका है, लेकिन सामने जाके फिर से सिंगल लेन मिल सकता है। तो अभी सिर्फ मैं जबलपुर घुसने वाला हूँ, मतलब अभी 20 से 25 किलोमीटर रह गया है जबलपुर। और यहाँ पर चाय पीने के लिए रुका था, और यहाँ पर कुछ प्यारे भाई लोग मिल चुके हैं मुझे। सो आपका नाम बता दीजिए थोड़ा। आरिफ। आरिफ है ना आपका नाम? अच्छा, और आपका नाम?
सत्येंद्र राज। और आपका नाम बताइए? अभिषेक। तो सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो तो अभी बिजी है अपने टपरी में चाय बेचने में, पूरा बिजी है, पैसा कमाना है ना पैसा। तो यहाँ पर जबलपुर के लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही फ़ायदा होता है सोलो राइडिंग का, इंडिया घूमो, भारत घूमो और नए नए लोगों से मिलो, दोस्ती करो, उसके बाद बातें करो, उसके बाद घूमो फिरो। तो बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। राइड ख़त्म करके जब फिर से जबलपुर होके जाऊँगा तब सबसे अब फिर से मिल के जाऊँगा ज़रूर। और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, सो थैंक यू। और अभी निकल पड़ते हैं, अभी फटाफट से जाना है होटल पे, 7:30 बजे पहुँचने का टाइम है, तो अभी निकल पड़ते हैं। लेट्स तो भाई लोग, जबलपुर से इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी ये व्लॉग देख रहे हो, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। मतलब मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ा मोमेंट है, इस राइड पे मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, लाइक सीरियसली गाइज, मैंने पहले ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है, इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि लाइक मैं, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, मैं स्पीचलेस हूँ कि कैसे बयां करूँ अपने लफ्ज़ों को। सो भाई बहुत शुक्रिया, हम नेक्स्ट टाइम जब भी जबलपुर आएंगे आप सबसे ज़रूर मिलेंगे। गाइज मेरे चैनल को बड़ा करने में ज़रूर से मुझे हेल्प भी करना, एंड मुझे पता है आप लोग करोगे। तो इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि अभी जाके फील हो रहा है कि नहीं, ये राइड सक्सेसफुल राइड है, अभी से ही फील हो रहा है। तो लो जी, जबलपुर शहर पे आप सभी का स्वागत है, एंड इसी के साथ हम लोग एंटर कर रहे हैं अब जबलपुर। यहाँ से मेरा होटल जो है वो सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलते रहते हैं सीधा सीधा ISBT, उसके बाद दमोनाका, उसके बाद MP हाई कोर्ट। कोर्ट कचहरी में तो हमें जाना है नहीं, हमें जाना है अपना, हमें जाना है हमारे होटल पे। अभी यहाँ पर 6.4 किलोमीटर्स के लिए 18 मिनट दिखा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक, दैट्स वाई। तो सामने एक रिंग रोड जैसा दिख रहा है, वहाँ से हमें लेना है दाहिने तरफ, राइट साइड पे जाना है। यहाँ पर तो होटल्स ही होटल्स, होटल का तो कोई कमी ही नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब मैं जिस एरिया पे हूँ अभी।